नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे किचन में। दोस्तों, आज कृष्ण जन्माष्टमी है तो मैं आज कान्हा जी की पसंदीदा मिठाई बनाने वाली हूँ, मथुरा का पेड़ा। यह एक भारतीय मिठाई है जिसकी शुरुआत मथुरा शहर से हुई थी। यह मावे या खोए से बनाई जाने वाली भारतीय मिठाई है। तो चलिए शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी सभी आने वाले वीडियो आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। पेड़ा मावे से बनता है तो हम इसके लिए पहले दूध से मावा बनाएंगे और फिर उससे हम पेड़ा बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने एक कढ़ाई में 2.5 किलो दूध डाल लिया है और इसके लिए 50 ग्राम घी लिया है मैंने, 100-150 ग्राम चीनी और 1 चम्मच इलायची पाउडर लिया है। बस इन्हीं चीज़ों से ये स्वादिष्ट मिठाई बनकर तैयार हो जाएगी। तो इसके लिए हमें बस दूध को पकाते जाना है जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। इसे चलाते रहेंगे और साइडों से इसकी मलाई हटाते रहेंगे। बस ये हमारा मावा अभी बनने ही वाला है। इस वक्त इसका जलने का बहुत खतरा रहेगा तो हमें इसे लगातार चलाते रहेंगे और थोड़ा थोड़ा करके इसमें घी ऐड करते रहेंगे। ये देखिए, खोआ बिल्कुल रेडी है इस वक्त। इसमें थोड़ा घी और ऐड कर देंगे हम। चलिए, मावा हमारा इस वक्त बिल्कुल तैयार है। अब इसे हमें लगातार चलाते हुए इसको सुनहरा भूरा रंग का करना है इसे हमें। ये देखिए, इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया। अभी इसे थोड़ा और पकाएंगे। आपने देखा होगा मथुरा के पेड़े बिल्कुल भूरे रंग के, ब्राउन कलर के होते हैं, बिल्कुल वही कलर देना हमें इसे। लेकिन इसे लगातार चलाते रहेंगे। देखिए, बिल्कुल रेडी है इस वक्त। थोड़ा और भुनेंगे इसे। जब इसका अच्छा ब्राउन कलर आ जाएगा तब इसे थाली में निकाल लेंगे। चलिए, मिश्रण बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है इस वक्त। इसे हम थाली में निकाल देंगे और इसे ठंडा कर लेंगे थोड़ा। इसे बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना, बस इतना ठंडा हो जाए कि हम इसे हाथ से आसानी से छू सकें। चलिए, ठंडा हो चुका है। इसमें इलायची पाउडर मिला देंगे। अब इसमें बूरा मिला देंगे थोड़ी थोड़ी करके।
जैसे एक बार ये ठंडा हो जाएगा हम इसे हाथ से मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। चलिए बूरा हमने अच्छे से मिला ली इसमें, अब इसके हम पेड़े बना लेंगे। आप किसी भी आकार के पेड़े बना सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता हो वैसे आप बनाइए। उस पर मन चाहे ड्राई फ्रूट से सजा लीजिए, आप चाहते हैं तो पिस्ता लगा दीजिए, आप अगर आपको पसंद है तो बादाम लगा दीजिए, तो मैंने बादाम लगाया। इसी तरह सारे पेड़ बना कर रख लेंगे। तो लीजिए तैयार है हमारे मथुरा के पेड़े। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो ऐसी ही बढ़िया रेसिपी के साथ मैं फिर हाजिर होंगी, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।